चलो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ। जल्दी से एक बार रिवाइज करते, बोलो लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या किए थे ब्रॉडली। कौन बोलेगा जल्दी से? मैम, ब्रॉडली हम लोग ने रिलेशंस को पहले डिफाइन किया था, फिर उनके कार्टीजन प्रोडक्ट्स एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग अलोंग विद इमेजेस एंड प्री इमेजेस। क्या होता है इमेज और प्री इमेज? वेट, आई जस्ट ड्रॉ डायग्राम। व्हाट इज द इमेज ऑफ ए? वन वेरी गुड। जानवी, सेम अपने लास्ट सेकंड क्लास देख लिया था क्या? मेरा पूरा नहीं हुआ है। सेकंड क्लास पूरा नहीं हुआ है कि सेकंड क्लास स्टार्ट ही नहीं किया है? पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ है तो ये इमेज, प्री इमेज ये सब देखा था? उतना बहुत तो 12 में किया हुआ है। अच्छा, 12th में किया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। प्री इमेज ऑफ 3 क्या बोली थी अभी? सी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आंसर करो जल्दी से। कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। दो कंडीशंस थे, वन फर्स्ट कंडीशन था हमेशा ऐसे ही होगा, सेट ए सेट बी। फर्स्ट कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव एन इमेज यहाँ पे है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। यूनिक रिलेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे ए 1 के साथ और ए 2 के साथ भी मैप नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए थे, मदर एंड चाइल्ड वाला। सॉरी माय बैड। एक चाइल्ड के दो मदर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक मदर के दो चाइल्ड हो सकते हैं। इसीलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, इज दिस थिंग अ फंक्शन? क्या इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं? यस प्रियांशु, जानवी, डू यू बोथ अग्री? यस ठीक है, यस तो ये मैम। हम लोग को याद है। उसके बाद वी हैड ऑल्सो टुडे, अभी आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट जो हम लोग को आज के क्लास में भी काम आएगा। बाकी आप लोग अपने नोट से रिवाइज करते रहना, चैप्टर के एंड में वील गो थ्रू अ क्विक रिविजन। हम लोग ने किया था डोमेन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? अगर इफ आई एम राइट डिफाइनिंग द फंक्शन एज
से दिस, तो इसमें डोमेन क्या है? हाँ मैम, इन दिस केस द डोमेन इज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। नहीं, नहीं। भाव्या जानवी। मैम सॉरी, पूरा रियल नंबर। अच्छा भाव्या जानवी, तुम्हें को क्या लगता है डोमेन क्या है? हाँ मैम, रियल नंबर। कोडोमेन 0 to 3। और रेंज हम लोग अभी तक किए नहीं है, आज हम लोग रेंज ही करेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं वील सी, बट क्या रेंज कोडोमेन से बड़ा हो सकते हैं? नो मैम। रेंज कोडोमेन से छोटा हो सकता है? शुड बी लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन। वेरी गुड, तो लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन, विच मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ठीक है, अब चलो, हम लोग डोमेन निकालने के लिए टू रूल्स किए थे। हाँ फर्स्ट रूल होता है हम लोग का कि अगर वन बाय एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, देन एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो सिंस वन बाय जीरो इज अनडिफाइंड। सेकेंड रूल, रूट ओवर एनी एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर है, देन एक्सप्रेशन हैज टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो सिंस रूट ओवर नेगेटिव इज इमेजिनरी। राइट, ये दो रूल्स हम लोग लास्ट क्लास कर लिए थे और इसके ऊपर हम लोग सम्स भी किए थे। आज हम लोग एक और सम करेंगे जिससे हम लोग का रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज में भी हम लोग को सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके आगे हम लोग और भी जो करेंगे उसमें भी हम लोग को डोमेन निकालने का बहुत काम आएगा। तो ये वाला सम देखो, ट्राई करो, टेक 5 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, जितना भी हो पा रहा है, जहां तक भी हो पा रहा है, जस्ट ट्राई टू डू इट।
समझ में आ रहा कैसे प्रोसीड करना है इसमें? मैम इज इट टू बिटवीन टू एंड थ्री इंक्लूडिंग टू एंड थ्री मतलब यू मीन ये यस भाव्या जानवी तुम लोग से हो रहा है कुछ? आर यू गेटिंग समथिंग एल्स और आर यू गेटिंग दिस ओनली या योर फीलिंग स्टक कि नहीं समझ आ रहा कैसे प्रोसीड करना है? प्लीज रिप्लाई करो भाव्या जानवी। मैम आई थिंक थ्री में ओपन ब्रैकेट ले लेना चाहिए ऐसे या नाउ आई एम गेटिंग क्लोज ब्रैकेट्स टू एंड थ्री अच्छा मतलब सेम एज प्रियांशु। यस मैम ओके एक सेकंड। हाँ सॉरी अच्छा तो बताओ मेरे को कि कौन बताएगा कि हाउ डिड यू प्रोसीड? स्टार्ट कैसे किया आप लोग? सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है इसको देख के कि एक्स कांट बी जीरो है ना, ये तो हम लोग श्योरिटी के साथ बोल ही सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन कि x का वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकते बिकॉज एज सून एज x जीरो होगा दिस एंटायर थिंग विल बिकम अनडिफाइंड। तो x से हम लोग जीरो हटा दिए। अब आगे ये टर्म है एक और ये टर्म है, दोनों रूट के अंदर है तो x माइनस टू हैज टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो और x has to be greater than equal to 2. ये inequality solve हो गया इस term के लिए। जो second term है 3 minus x by x has to be greater than equal to 0. अब यहाँ पे एक बहुत important चीज है कि हम लोग को पता नहीं है कि x का value positive है कि negative है, right? तो हम लोग हमेशा ऐसे केस में अवॉइड करते हैं कि हम लोग इस एक्स को इस तरफ ले जा पाए। इसको यहाँ ले जाने के लिए सिंस इनइक्वालिटी साइन है, मेक श्योर कि आप लोग ये गलती कभी भी नहीं करो कि यू टेक एनी वेरिएबल इस साइड में अंटिल एंड अनलेस यू आर श्योर दैट इट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, लेकिन इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो विच मीन्स इट हैज टू बी पॉजिटिव इन नेचर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्री माइनस एक्स ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वी नो कि x स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है सिंस इट्स अ स्क्वायर नंबर, तो इसलिए वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग इजिली कहीं भी ले जा सकते हैं। ये जो ट्रिक है ये ट्रिक बहुत सारी जगह काम आएगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम लोग कभी भी उस तरफ, क्योंकि अगर नेगेटिव है देन द साइन विल चेंज, अगर ये था तो वो ये हो जाएगा इफ द नंबर इज नेगेटिव। तो हम लोग ये मल्टीप्लाई किए देन वी कैन राइट एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें हम लोग फिर वो नंबर लाइन मेथड यूज करेंगे अपना. एक और स्टेप करते हैं इसमें. साइन चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे क्या किया हम लोग, ये जो 3 माइनस एक्स है इसको x माइनस 3 बना दिए, ताकि इजीली वी कैन से दैट आर क्रिटिकल वैल्यू इज प्लस 3. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक माइनस मल्टीप्लाई किए, तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये साइन इससे चेंज हो गया. हम लोग का क्रिटिकल वैल्यूज होगा 0 एंड 3. क्या होगा, माइनस वन लेते हैं, माइनस वन होने से पॉजिटिव, वन होने से नेगेटिव, फोर होने से पॉजिटिव. हम लोग को चाहिए लेस देन इक्वल टू, तो वी विल सी दिस लिमिट विच इज 0 to 3. लेकिन यहाँ पे हम लोग का आया था 2 से इन्फिनिटी और यहाँ आया है 0 से 3. और ये चीज़ याद रखना कि ये इंटरसेक्शन है, विच मीन्स 0 से 3 इंटरसेक्शन 2 से इन्फिनिटी तो ये तो हम लोग को पता है कि ये वाला जो लिमिट है और ये वाला जो लिमिट है कोइंसाइडिंग है, क्योंकि नंबर लाइन पे ये मेरा 0 है, ये मेरा 2 है, ये 3 है और ये इन्फिनिटी है. तो हम लोग को इसका और इसका जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, बिकॉज बोथ दीज कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, राइट. तो इसीलिए इसमें और इसमें दोनों में इंटरसेक्टिंग पार्ट ये है. भाव्या या है नहीं, उसी ने आंसर दिया था ना क्लोज ओपन ब्रैकेट वाला, कि जानवी ने दिया था. भाव्या आपने ये आंसर दिया था ना, या कभी भी ऐसा डाउट लगे ना ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में, इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ 2 नंबर्स ही तो है. यू जस्ट पुट बोथ द नंबर्स, इसमें अगर हम लोग 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, रुको. If we replace x with 2, then it will become root over 2 minus 2 plus root over 3 minus 2 by 2. Iska kya value ho jayega? Root over half. Is it defined? Iska value to defined hota hai, yeah, this is not an imaginary number. To matlab ki at 2, the function is defined. To 2 domain mein ho sakte hai. To 2 ke upar क्लोज ब्रैकेट, फिर हम लोग 3 डालेंगे, रूट ओवर 3 माइनस 2 प्लस रूट ओवर 3 माइनस 3 बाय 3, राइट. ये रूट 1 हो गया और ये 0 बाय 3. आई थिंक शायद इसके कारण कंफ्यूजन हुआ होगा कि 3 नहीं हो सकते, लेकिन 0 बाय एनीथिंग अनडिफाइंड नहीं होते कभी भी. 0 by anything is always 0. तो ये चीज़ 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू रूट 1 हो जाएगा. तो undefined हो गया ये फंक्शन भी. Yes, तो even at 3 it is defined. तो 3 पे भी मतलब क्लोज ब्रैकेट लगेगा. तो इसीलिए the answer will be 2, 3 दोनों क्लोज ब्रैकेट के अंदर. समझ में आया कैसे हुआ? एंड हमेशा इट इज बेटर, बहुत ही फास्ट थिंग है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग 6-7 सम्स आपको ये वाला चीज करने में तो हार्डली एनी टाइम लगेगा,
क्योंकि इसमें लिटरली आपको बस अपने कैलकुलेटर में बिठाना है सारा वैल्यूज को और कुछ भी नहीं करना है. तो यू कैन ऑलवेज चेक, अगर बाय चांस अनडिफाइन हो जा रहा है देन यू पुट अ ओपन ब्रैकेट. ठीक है, सिंस आप लोग ये सब इतना इजीली कर लिए कॉन्सेप्चुअली, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू रेंज. कुछ भी डाउट है डोमेन में, कोई भी थिंग दैट्स कमिंग टू योर माइंड कि डोमेन में ऐसा भी हो सकता है, तब क्या करेंगे हम लोग? नहीं है तो फिर वी विल मूव ऑन टू रेंज ऑफ अ फंक्शन. वंस यू मास्टर डोमेन, रेंज इज नथिंग, नथिंग एट ऑल, क्योंकि रेंज में भी लास्ट में हम लोग को डोमेन ही निकालना पड़ेगा. स्टेप्स क्या होते हैं रेंज का? सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, एक सेकेंड. ठीक है, सपोज हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं. तो ये एग्जाम्पल में वी कैन राइट दिस एज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूजुअली हम लोग जो आउटपुट होते हैं वी टेक इट एज वाई एंड जो इनपुट होता है वी टेक इट एज एक्स. तो कैन वी राइट दिस एज दिस? बोलो. यस मैम. ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर हम लोग ले सकते हैं. तो फर्स्ट हम लोग क्या किए, एक्सप्रेस एफ एक्स एज वाई. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मेक एक्स सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला क्या होते हैं, यहाँ पे वाई इज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, मतलब कि वाई एक साइड और बाकी जितना भी कॉन्स्टेंट्स है, जितना भी वेरिएबल्स है, एवरीथिंग इज ऑन द अदर साइड. एक साइड में ओनली वाई इज देयर. तो यहाँ पे जब हम लोग एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग को एक्स लिखना है. वी नीड टू फाइंड एन एक्सप्रेशन टू इक्वेट विथ एक्स. तो ये कैसे होगा, वाई माइनस फोर रूट ठीक है, x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस फोर. अब हम लोग सीधा एक ऐसे इमेजिन करेंगे, इतनी देर से हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू x के टर्म्स में कुछ कुछ था, तो हम लोग x के वैल्यूज निकाल रहे थे कि x क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं. यहाँ पे यू हैव टू डू द सेम थिंग, बस वेरिएबल्स इंटरचेंज हो गया. अब हम लोग को सोचना है कि वाई क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं टू मेक दिस डिफाइंड. ठीक है, तो जल्दी से बोलो वाई क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं. बहुत इजी है. ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर. ये हम लोग कैसे किए, y माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर. तो हम लोग का रेंज हो गया फोर टू इंफिनिटी. क्योंकि रेंज क्या होता है, y का वैल्यूज, डोमेन इज इनपुट्स का सेट एंड रेंज इज आउटपुट का सेट. आउटपुट का सेट क्या होगा कि वाई क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं. तो इसका मतलब कि वाई हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कि वाई ये सब वैल्यूज ले सकते हैं. लेकिन अब सपोज ऐसा होता, जस्ट अ वेरी हाइपोथेटिकल थिंग, सपोज इसके ऊपर एक रूट होता. ये सब सॉल्विंग को एक बार इग्नोर करो, हम लोग बाद में एक एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. लेकिन सपोज यहाँ पर एक रूट होता और हम लोग का आता y इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर,
तो यहाँ पे तो ठीक है, वाई अभी भी ले सकता है ये रेंज, लेकिन सपोज हम लोग का रेंज आता क्या ये पॉसिबल था विथ अ फंक्शन विच इज गिवन एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, कैन इट टेक अ रेंज ऑफ दिस फॉर्म एवर? तुम लोग कोई मेरे को बोल भी नहीं रहे हो, आई एम ऑल्सो नॉट रियलाइजिंग, हर जगह आई एम पुटिंग क्लोज ब्रैकेट्स ऑन इन्फिनिटी. बोलो इज दिस एवर पॉसिबल? इफ येस देन हाउ, एंड इफ नॉट देन वाई? एकदम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. मैम इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिजल्ट ऑफ एनीथिंग अंडर स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव. तो इसीलिए ये रेंज कैसे मॉडिफाई करना होगा हम लोग को टू मेक इट पॉसिबल? कैन वी मेक इट जीरो टू इंफिनिटी? ये हो सकता है रेंज? यस मैम. तो क्यों समझ में आया तुम लोग दोनों को कि रूट के अंदर से हम लोग को कभी नेगेटिव मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. तो इसीलिए द रेंज कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज. तो इसीलिए फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगा एलिमिनेट एनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन. ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स तो हम लोग को याद रह जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ये जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे आके प्रॉब्लम होता है बिकॉज हम लोग को ये स्ट्राइक ही नहीं करता है सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेगुलर वर्किंग. ये हम लोग को अलग से अपना माइंड लगा के करना पड़ता है. बहुत बार हम लोग के माइंड में ये स्किप हो जाते हैं ये स्टेप, कि हम लोग को ऐसे भी देखना होगा कि वो चीज़ पॉसिबल भी है कि नहीं है. मैथमेटिकली तो ये आंसर आ जाएगा, बट देन इज इट 100% पॉसिबल इन दैट फंक्शन? यू हैव टू मेक श्योर. तो एक तो सम करो, ट्राई करो ये.
हुआ किसी का भी कुछ भी आंसर आया जीरो टू थ्री जीरो टू थ्री ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट्स भाव्य और प्रियांशु का कोई आंसर आया मैम मेरा एक सेकेंड मैम मैम मेरा माइनस इनफिनिटी जीरो क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड यूनियन फ्रॉम 1.5 क्लोज ब्रैकेट टू पॉजिटिव इनफिनिटी ठीक है भावन भावे आप कर रहे हो कि यू आर फीलिंग स्टक इफ यू आर फीलिंग स्टक देन हम लोग सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे हाँ माय आंसर सेम एज द प्रियांशु एज प्रियांशु मतलब ये वाला या ठीक है तो हम लोग को सबसे पहले जानवी बोलेगी हाउ शी प्रोसीडेड फर्स्ट स्टेप क्या है y equals to 3 by 2 minus x square ठीक है उसके बाद x equals to root over 2y minus 3 by y root over 2y माइनस थ्री बाय वाई ये बोला आपने यस मैम अच्छा एक सेकेंड जस्ट ठीक है प्रियांशु और भाव्या का भी सेम आया यस मैम यस मैम ठीक है जानवी इसके बाद क्या किए हम लोग टू बाय माइनस थ्री बाय वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है देन देन आई हैव मल्टीप्लाइड वाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और वाई को हटा दिया ना राइट यस मैम ठीक है उसके बाद
उसके बाद क्या किया? And then I've done something wrong. क्यों ऐसा क्यों लगता है that you've done something wrong? Why do you think you've done something wrong? I made some calculation error. अच्छा ठीक है हाँ आई एम श्योर क्योंकि यहाँ तक तो राइट है लेकिन इसके बाद आई डोंट नो ये वाला आंसर कैसे आ सकता है क्योंकि ये तो लिमिट्स ही नहीं आएंगे जीरो आएगा बट ये तो क्रिटिकल पॉइंट ही 3/2 आ रहे हैं ना तो 3 तो आ ही नहीं सकता जो भी होगा 3/2 होगा ठीक है वी विल सी व्हाट कैलकुलेशन एरर यू हैव मेड Have you understood what calculation error you've made? I'll see it. ठीक है चलो सबसे पहले तो तुम लोग तीनों का एक चीज गलत है यहाँ पे जानवी भी क्लोज ब्रैकेट दी है और तुम लोग दोनों भी क्लोज ब्रैकेट दी हो यहाँ y डिनोमिनेटर में है ये रूल नहीं है कि कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में है तो वो जीरो हो ही नहीं सकते है कि नहीं है क्या वाई कभी भी जीरो हो सकता है इसको डिफाइंड रखने के लिए नहीं मैम तो इसीलिए तीनों जन क्लोज ब्रैकेट दे दिए थे लेकिन इट विल बी एन ओपन ब्रैकेट ये तो गलत ही है इट विल बी एन ओपन ब्रैकेट अच्छा चलो भाव्य प्रियांशु दोनों में से एक जन बोलो इसके आगे क्या करना है बोलो अब तो सम हो गया तुम लोग का अब क्यों बोलने में यू आर हेसिटेटिंग आई एम टेलिंग यू कि ये करेक्ट आंसर है 100% करेक्ट है ब्रैकेट का गलत कर दिया खाली हाँ क्या वाई गिव्स टू वैल्यू 0 एंड 3/2 एज अ क्रिटिकल पॉइंट वेरी गुड ठीक है फिर देन वी टेक अ लिमिट बिटवीन दीज रेंजेस जस्ट लाइक माइनस इनफिनिटी टू 0 देन 0 टू 3/2 एंड 3/2 टू इनफिनिटी से माइनस 1 एंड 2 ले सकते हैं ना ये वैल्यूज या ये वैल्यूज डाल के क्या आया प्लस माइनस प्लस की माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्रियांशु बोलो इसके बाद क्या किया मैम इसके बाद फिर वो इंटरवल फॉर्म करके लिख देंगे ना हम लोग ये इंटरवल लेंगे और ये इंटरवल लेंगे yes, तो हो जाएगा माइनस इनफिनिटी जीरो को हम लोग इसी स्टेप में एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे जीरो ओपन ब्रैकेट यूनियन 3/2 वी विल चेक क्योंकि हम लोग को 3/2 के लिए आज सच कुछ मिला नहीं है बट इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक तो अगर 3/2 हम लोग डालेंगे इस फंक्शन में तो यहाँ पे डालते हैं 2y-3 में 2 × 3/2 − 3/3/2 तो ये 0/3/2 हो जाएगा विच इज डिफाइंड तो मतलब 3/2 हम लोग यूज कर सकते हैं राइट तो ये हम लोग का आंसर आ गया जानवी आपको समझ में आया कहाँ पे गलती हुआ था यस मैम क्या हुआ था बोलो यू शुड ऑलवेज शेयर योर मिस्टेक्स ताकि आज आप कर रहे हो सकता है एग्जाम में किसी और का हो रहा हो सेम मिस्टेक तो इफ दे लिसन टू योर मिस्टेक तो लोग नेक्स्ट टाइम से और केयरफुल रहेंगे इस चीज के बारे में बोलो क्या हुआ था It doesn't matter अगर कुछ बहुत सही नहीं था. Instead of 3/2, I've taken some other value. मतलब critical point गलत था आपका. Yes ma'am. अच्छा, ठीक है. समझ में आ गया कि लेकिन हम लोग को आंसर कैसे आया?
यस मैम ये सब सिली मिस्टेक्स विथ प्रैक्टिस जाएगा, बट राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद होगा. तो नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट आपका एकदम राइट था, तो नथिंग टू वरी. एक और क्वेश्चन करो रेंज का जल्दी से. हुआ बहुत ही इजी है ये वाला तो. मेरे को लग रहा है तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना इजी है तो कैसे होगा, मे बी कोई और ट्विस्ट है. यहाँ तक आ गया सबका.
आया किसी का आंसर? मैम इज इट 1 to infinity ओपन ब्रैकेट सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी जीरो ओपन ब्रैकेट बोथ ओपन ब्रैकेट। जानवी भाव है आप लोग का कुछ आया कि अभी आप लोग सॉल्व कर रहे हो? हुआ तुम लोग का ये? जानवी भाव्या मोमेंट नो मैम आई एम कंफ्यूज इन दिस। ठीक है कोई बात नहीं। जानवी आपका आई गो विद प्रांशु सेम आंसर इज दिस। ठीक है यहाँ तक आ गया भाव्या आपका भी आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये तो डिक्लेयर कर सकते हैं कि वाई इज नॉट जीरो। हाँ या तो हो गया इसलिए यहाँ पे भी जीरो में। वेरी गुड इस बार सब लोग मतलब जानवी और प्रियांशु दोनों ओपन ब्रैकेट दियो। ठीक है अब क्या होगा? 1 + 9y² / y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि रूट के अंदर है।
इस बार हम लोग के पास वाई स्क्वायर ऑलरेडी दे दिए इन लोग, तो वी कैन इजीली टेक इट टू दैट साइड, व्हिच मींस 1 + 9y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/9, है ना? यही आ रहा है? Yes, ma'am. ये y स्क्वायर है. Can it ever be less than 0? यहाँ पे मैथमेटिकली तो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1/9, बट कैन इट एवर बी लेस देन 0, मतलब -1/9 टू इन्फिनिटी. हम लोग को तो यही लिमिट आ रहा है ना फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, रूट होगा, बट वाई स्क्वायर के लिए तो यही आ रहा है कि -1/9 और इन्फिनिटी के बीच में होगा वाई स्क्वायर. लेकिन हम लोग को पता है कि वाई स्क्वायर 0 से कम हो ही नहीं सकता, which means y square का जो लिमिट है that will be 0 से infinity. And even if not this, यहाँ पे देखो ये रूट के अंदर वैल्यू है, रूट ओवर x square minus 9. तो ये जब निकलेगा तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा, एंड 1/any पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, उसको कभी नेगेटिव कर ही नहीं सकते, विच मीन्स हम लोग का वाई कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते. उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 इज द मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट, उसके नीचे का स्टार्टिंग पॉइंट हो नहीं सकता, उसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं. इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, बट इट कैन नेवर बी -1 ऑल्सो, राइट? सेम यहाँ पे भी हम लोग को यही रिजल्ट मिल रहा है कि वाई स्क्वायर अगर -1/9 से बड़ा होना चाहिए, इट इम्प्लाइज कि वाई स्क्वायर 0 और इन्फिनिटी के बीच में. डू ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? आई थिंक भाव्य तुमको भी शायद यहीं आके प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना? तो जब भी ऐसा आएगा तो अपने आप हम लोग ये लिख सकते हैं, विच मीन्स कि वाई का जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी होगा. अब नेक्स्ट आता है ब्रैकेट. इन्फिनिटी के बाहर तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा, 0 हम लोग यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं, तो 0 के लिए भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग. बोलो, ये लगा सकते हम लोग? तो आ गया कि y का वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन दिस. बाबा कुछ भी डाउट है कहीं पे भी तो बोलो. नो मैम, समझ में आ गया कि कहाँ पे डाउट हो रहा था, वो क्लियर हो गया? जानवी, प्रियांशु, आप लोग भी ऐसे ही किए थे कि कोई और मेथड था? मैम मैंने वो एसिम्प्टोट ये सब करके लगा दिया था, जस्ट टू बी श्योर. अच्छा ठीक है, श्योरिटी के लिए कुछ भी करो, कभी भी कोई खराबी नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर श्योर कि आपका चेक करने का वे करेक्ट है. ठीक है जानवी, यू यूज द सेम मेथड? यस मैम. ठीक है चलो, तो हम लोग को रेंज क्लियर हो गया मोर और लेस. कुछ भी है रेंज में जो अभी भी लग रहा है, एनी डाउट कोई भी स्टेप में? प्रेजेंटेशन आई एम नॉट आस्किंग कोई डाउट है कि नहीं, क्योंकि आज लास्ट क्लास आई सेड आप लोग को हमेशा एमसीक्यूज ही आएगा, तो प्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर एट ऑल. एज लॉन्ग एज कोई भी मेथड से यू आर अराइविंग एट द करेक्ट आंसर, इट डज नॉट मैटर कि आप क्या स्टेप्स दिखा रहे हो या क्या लेटर्स यूज कर रहे हो, इतना नहीं मैटर करता है. लेकिन हाँ, इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो बेसिक स्टेप्स है ये आपको पता रहे, क्योंकि अभी मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आगे जाके बाकी एक्चुअरीज का पेपर्स रिटन होगा तो उसमें यू विल हैव टू शो सम ऑफ इट, तब जाके इतना लंबा वर्किंग यू कैन नॉट शो. बट हाँ, सपोज ये स्टेप दिखा दिया, देन ये स्टेप दिखा दिया, ये और ये, बस ये 4 स्टेप्स दिखाने से हो जाएगा. अब देखो हम लोग, छोटा छोटा सा चीज है, ये एक रिजल्ट है, फंक्शन ऑफ सी एक्स, सी इज अ कॉन्स्टेंट. आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉपी दिस.
मैंने जो लिखा है, तो मतलब कि अगर सपोज हम लोग बोले फंक्शन इन एक्स इज इक्वल टू थ्री और ये चीज याद रखना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो रिजल्ट है ये हमेशा होल्ड करे, क्योंकि कुछ कुछ फंक्शन आपको मिलेंगे जिसमें लॉजिकली ये ट्रू हो ही नहीं सकता. सपोज अगर 3 प्लस एक्स है एंड आपको फंक्शन ऑफ सी एक्स निकालना है, इफ यू यूज दिस रिजल्ट देन यू विल गेट 3c प्लस सी एक्स, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन ऑफ सी एफ एक्स क्या होता है, 3 प्लस सी एक्स, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये कॉन्स्टेंट्स में डिफरेंस आ रहे हैं, तो इसलिए यू हैव टू सी कि कौन सा में है. सिंस ये रिजल्ट्स हम लोग को एक बार करना पड़ता है, आई एम मेकिंग यू ऑल राइट दीज रिजल्ट्स, लेकिन ये रिजल्ट से आज तक आप लोग को कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या यूज भी नहीं करना होगा. एक बार जस्ट कॉपी दीज रिजल्ट्स. इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी भी काम आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तब भी काम आएगा. इवन फंक्शन इज व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये कब हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल जब हम लोग का एक्स के पावर्स में इवन नंबर्स हैं. सपोज एक्स टू द पावर 4 है, अगर एफ एक्स एक्स टू द पावर 4 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी एक्स टू द पावर 4 ही होगा, क्योंकि हम लोग उसको जैसे ही स्क्वायर करेंगे, जैसे ही एक 2 आ जाएगा पावर में, इट विल ऑटोमेटिकली टेक अवे द माइनस साइन. लेकिन यही अगर एफ एक्स एक्स क्यूब होता तो क्या हो जाता, एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब हो जाता, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ एक्स, है कि नहीं, ये हो जाता. तो ऐसा फंक्शन वेर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन, एंड ऑड फंक्शन का ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब क्या होता, कि जो ओरिजिन है दैट इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, मतलब उसके इस तरफ एंड उसके इस तरफ हमेशा सेम होगा, मिरर इमेजेस होगा. इवन फंक्शन में क्या होता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ये जो पूरा लाइन है That will be our mirror line. मतलब इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ सेम डिट्टो चीज होगा, मिरर इमेजेस होगा, राइट. तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर इवन फंक्शन एंड f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑड फंक्शन. एंड कोई भी ऐसा फंक्शन जो ये दोनों ही नहीं करता है उसको ना ही इवन बोलते हैं ना ही ऑड बोलते हैं, वो बस एक फंक्शन है. लेट मी नो जब सारा कॉपी हो जाए, एक बार स्क्रॉल करना होगा तो बोलना. यहाँ पे जी क्या है, हम लोग लास्ट क्लास किए थे कि हम लोग किसी फंक्शन को एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी एक्स एच एक्स ए एक्स कोई भी वे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सिंस यहाँ पे एफ और जी दोनों अलग अलग फंक्शंस था, इसलिए हम लोग एक एफ एक्स यूज किए और एक जी एक्स यूज किए, एक थर्ड होता है तो वी कुड हैव यूज्ड एच एक्स.
मैम डन। बाकी लोग भाविया जान ली यस मैम। हो गया। चलो बस आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है। कभी देखा है ऐसा कुछ लिखा हुआ? सिंस आप लोग सब स्कूल में किए हो, कुछ भी देखा हुआ लग रहा? एनी आइडिया व्हाट दिस मींस? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है जब हम लोग एक फंक्शन एफ डिफाइन करते हैं? तो उसमें क्या होता है, दो हम लोग के पास सेट होते हैं, डोमेन एंड कोडोमेन, राइट? और इसमें हम लोग मैपिंग करते हैं, जैसे भी किसी भी वे से मैपिंग हो सकते हैं। कोई भी वैसे मैपिंग हो सकता है एक फंक्शन के लिए, तो इसको हम लोग एफ किए। सपोज अब हम लोग दो और सेट लें, ठीक है? दो और कोई सेट लिए, सपोज ए था ये बी था। अब हम लोग लिए सी और डी और फिर हम लोग फिर से मैपिंग किए से ऐसे करके कुछ, ठीक है? और इस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट किए यूजिंग जी। तो ये टू डिफरेंट फंक्शंस हुआ। सी सपोज ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन किए थे ए टू बी, एंड ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन किए थे सी ऑन डी, ठीक है? अब क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस होते हैं कि अगर हम लोग के पास टू फंक्शंस है तो दोनों फंक्शन को एक में कंबाइन कर देना। तो वी आर कंपोजिंग अ न्यू फंक्शन जिसमें ये दोनों फंक्शन कंबाइंड है। एफ ये जो डॉट है ये एक्चुअली एक सर्कल है, ठीक है? इट इज अ सर्कल एंड वी रीड इट एज एफ ऑफ जी या एफ इंटू जी या एफ जी, कैसे भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स या एफ जी एक्स, कैसे भी यू कैन रीड इट। एंड दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स है, ठीक है? यहाँ पे जो एक्स है दोनों में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वेरिएबल ऑल्सो, इट कैन टेक एनी कॉन्स्टेंट ऑल्सो, इट कैन टेक एन एक्सप्रेशन ऑल्सो जिसमें कॉन्स्टेंट भी हो वेरिएबल भी हो। से 3x+4, एक्स की जगह हम लोग 3x+4 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सिंस इट्स अ फंक्शन, राइट? हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कि यहाँ पे जो एक्स है उसको हम लोग ये पूरा जी एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, जी एफ एक्स, मतलब कि यहाँ पे ये एक एक्स है ये एक एक्स है, इसको हम लोग इस पूरे वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि हम लोग क्या करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में? कुछ भी नहीं है, खाली प्लेन सब्स्टिट्यूशन एंड सॉल्विंग है। हम लोग को एक्स की जगह वो वैल्यू डालना है एंड उसको ओपन करना है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब वो क्या होगा, हम लोग हर कोई वैल्यू तो एक्स की जगह डाल नहीं सकते, वी कैन ओनली पुट वैल्यूज जो डोमेन में हो, है ना? क्योंकि डोमेन के बाहर, अगर सपोज ये वाला है इसमें
हम लोग एक्स की जगह, ये तो दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, वी कैन पुट एनीथिंग राइट. लेकिन सपोज कुछ और होता, से एफ एक्स हम लोग का रूट 1/√ समथिंग होता है ना, या फिर 1/3x+4 होता. अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग एक्स की जगह हर कुछ तो डाल नहीं सकते, डाल सकते हैं क्योंकि एक्स जैसे ही 0 होगा हम लोग का फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो अगर जी एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो दिस फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड. तो वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि हम लोग का दोनों फंक्शन का कोडोमेन क्या है एंड हम लोग का दोनों फंक्शन का डोमेन क्या है. तो इसका क्या रूल होता है एक बार लिखो. ये कॉपी करो फिर आई एक्सप्लेन क्या है ये. अगर हम लोग जी ऑफ एफ कर रहे हैं मतलब हम लोग जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स डाल रहे हैं राइट. जी ऑफ एफ का मतलब यही है दैट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. तो मतलब कि जो हम लोग का इसका रेंज था इट शुड बी अ सबसेट ऑफ जी का डोमेन, क्योंकि एफ रेंज ऑफ एफ क्या होगा कि एफ एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं एंड डोमेन ऑफ जी क्या होगा कि हम लोग जी में इनपुट क्या क्या दे सकते हैं. तो जो इनपुट जी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो हम लोग का एफ के रेंज में नहीं होना चाहिए, वो हम लोग डाल ही नहीं सकते क्योंकि जब वो डोमेन के बाहर हो गया. इफ सपोज हम लोग का हुआ कि लेट्स से एक सेकेंड. रेंज ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी क्या बोल रहे हैं. जो रेंज ऑफ एफ है सपोज रेंज ऑफ एफ इज 1, 2, 5 एंड डोमेन ऑफ जी इज से 0, 2, 6 ये है. अगर तो जो रेंज ऑफ एफ है इज इट अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी. क्या ये वाला जो 1 to 5 है ये 0 और 6 के अंदर लाई करेगा. हाँ या ना बोलो. हाँ है सबसेट है. लेकिन अगर सपोज उल्टा होता मतलब अगर रेंज ऑफ एफ 0 से 6 होता एंड डोमेन ऑफ जी 1 से 5 होता तो क्या ये हम लोग कर पाते हैं. क्योंकि देखो फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन है मतलब जो फर्स्ट सेट है उसमें हर एक एलिमेंट हैज टू हैव एन इमेज. ये फंक्शन का कंडीशन था हैज टू हैव एन इमेज एंड दैट इमेज शुड बी यूनिक राइट. फंक्शन के लिए दिस वाज एन एसेंशियल कंडीशन. तो यहाँ पे जब डोमेन 1 to 5 है और रेंज 0 to 6 है तो क्या ये कंडीशन हो पाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा. क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 0 से 6 तक का वैल्यूज डाल रहे हैं
लेकिन हम लोग जीरो से सिक्स तक का वैल्यूज डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो डोमेन के बाहर है। जो चीज डोमेन में लाई ही नहीं करता उसके बाहर का वैल्यूज हम लोग कैसे डाल सकते हैं ना। वी कैन गेट अ न्यू डोमेन बट वी कैन नॉट यूज वैल्यूज जो डोमेन के बाहर है। तो इसीलिए ये जो टू कंडीशंस हैं, ये टू कंडीशन पे एमसीक्यू आ सकते हैं बहुत बार कि क्या चीज किसका सबसेट होना चाहिए एंड क्या वैल्यूज ले सकते हैं वो। एक तो हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे तो कॉम्पोजिशन बहुत क्लियर हो जाएगा। वी विल डू अ पास्ट ईयर का क्वेश्चन ओनली, काफी सिंपल सा है, फर्स्ट क्लास का भी इसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ट्राई करो एक बार ये, फिर आई विल एक्सप्लेन कैसे होगा। I guess 4 would be the answer. Ma'am, same. यस मैम, ठीक है, तीनों जन का ही हो गया, वेरी गुड। आई विल जस्ट शो द सॉल्यूशन एक बार। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे जी ऑफ -7/2,
मॉड के बाहर निकलने से नेगेटिव हट गया, ठीक है। तो ये हो गया, कॉम्पोजिशन में ऐसा ही सम जाएगा। आप लोग चाहते हो कि एक और कॉम्पोजिशन का सम कर लो, एक तो हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स के साथ ले लेते हैं। जल्दी से कर लो, बहुत इजी है। एक बार शाम हो जाए तो बोलना, और कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो बोलना। मैम डन। मैम हो गया। यस मैम डन। हो गया, सेम आंसर आया इसका और इसका। अब देखो, एक बार आई जस्ट एक्सप्लेन क्लियरली कि यहाँ ऊपर में जो हम लोग दोनों लिखवाए थे डायग्राम से, देखो हम लोग सपोज फर्स्ट वाला लेते हैं g ऑफ f, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, g के अंदर f का वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि g के अंदर क्या क्या वैल्यूज जा सकते हैं, ये वाला, ये वैल्यूज जा सकते हैं g के अंदर,
क्योंकि ये जी का डोमेन है, इसके बाहर कोई भी वैल्यू जी एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? अब एफ क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, ये वाला एज इनपुट, एंड वो आउटपुट क्या क्या दे सकते हैं, ये जो कोडोमेन एफ का। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट उसका रेंज हो, इस बी सेट में से सिर्फ एक पार्ट होगा, हो सकता है कि पूरा बी भी रेंज हो, लेकिन होप ये भी सकता है कि सिर्फ एक पार्ट उसका रेंज हो। तो अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट हुआ जो एफ के रेंज में है लेकिन जी के डोमेन में नहीं है, से सपोज यहाँ पे 1, 2 और 3 है एंड एफ का रेंज में अगर 1, 2, 3, 4 भी है, तो क्या अगर हम लोग सपोज हम लोग तो एक्स यूज करके डाल देंगे बस, लेकिन एक्स यूज करके जब डालेंगे और वो फोर यूज और वो फोर का वैल्यू ले लेगा, तब तो हम लोग का ये पूरा चीज में गड़बड़ हो जाएगा, राइट? क्योंकि जी के अंदर हम लोग फोर कभी डाल ही नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन। तो मतलब कि क्या है, जो एफ का रेंज होगा इट हैज टू बी अ सबसेट ऑफ जी का डोमेन। सिमिलरली अगर हम लोग उल्टा जाए, मतलब ऐसे नहीं, अगर हम लोग एफ ऑफ जी एक्स करें, अगर हम लोग एफ ऑफ जी एक्स कर रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये एक सेट होगा, पहले हम लोग जी का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम लोग एफ में डालेंगे, राइट? इसका तो मतलब यही हुआ। तो हम लोग एफ में ऐसा कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते जो वाई के बाहर हो, एंड वाई क्या है, डोमेन ऑफ एफ। तो इसीलिए जी कैन ओनली टेक वैल्यूज, जी एक्स कैन ओनली गिव आउटपुट विच मीन्स रेंज ऑफ जी एक्स दैट आर पार्ट ऑफ वाई विच इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है कि हम लोग ये कंडीशन क्यों इम्पोज कर रहे हैं? हाँ ना, समझ में आया। कैन यू गिव सम एग्जांपल? एग्जांपल क्या चीज का? यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, से सपोज ठीक है, लेट्स से लेट्स से जी एक्स 1/x² - 9 है, ठीक है? तो इसका डोमेन क्या होगा, x² - 9 इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स x कांट टेक वैल्यूज -3 एंड +3, राइट? क्योंकि -3 या +3 दोनों लेने से ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x के डोमेन में -3 और +3 नहीं लाए करते। यहां तक समझ आया? भाव्या? यस मैम। ठीक है, तो मतलब कि डोमेन ऑफ जी क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 एंड +3। अब सपोज हम लोग के पास है एक एफ एक्स, एंड एफ एक्स का जो है, लेट्स से एफ एक्स इज सिंपली
माइनस थ्री हो ही सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स का टर्म हमेशा हो, एफ एक्स माइनस थ्री हो ही सकता है। हाँ कि ना, वी कैन हैव अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट ऑल्सो, राइट कि रॉन्ग? मतलब एफ एक्स को माइनस थ्री ले सकते हैं, तो अगर एफ एक्स का वैल्यू माइनस थ्री है तो क्या हम लोग जब जी डॉट एफ निकालेंगे तो तब तो हम लोग को जी के अंदर मतलब यहाँ पे एक्स की जगह वील हैव टू पुट द वैल्यू माइनस थ्री। इज दिस राइट? रेंज ऑफ एफ इज माइनस थ्री। क्योंकि रेंज तो सिर्फ एक ही वैल्यू, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हम लोग को एक ही आउटपुट दे सकता है विच इज माइनस थ्री, या फिर ऐसे समझ लो। हाँ ठीक है, रेंज ऑफ एफ माइनस थ्री है। इज द रेंज ऑफ एफ अ सबसेट ऑफ द डोमेन? सबसेट मतलब क्या हुआ कि डोमेन के, डोमेन का एक पार्ट होना चाहिए, बट इज माइनस थ्री अ पार्ट ऑफ द डोमेन? यहाँ पे हम लोग आर, आर इज रियल नंबर्स, हम लोग बोल रहे हैं कि जी का डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, एक्स का जो मतलब कि यहाँ पे जो एक्स है इट कैन टेक एनी वैल्यू, सारा रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू उठा के तुम एक्स को दे सकती हो एक्सेप्ट माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, क्योंकि माइनस थ्री करने से ये माइनस थ्री स्क्वायर नाइन हो जाएगा, नाइन माइनस नाइन जीरो हो जाएगा, सेम विथ प्लस थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन हो जाएगा एंड नाइन माइनस नाइन जीरो हो जाएगा, तो जी एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए एक्सेप्ट माइनस थ्री एंड प्लस थ्री हम लोग जी एक्स में एक्स को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वी कैन हैव एनी इनपुट। लेकिन हम लोग का जो एफ एक्स है उसका आउटपुट ही जब खाली माइनस थ्री देगा हम लोग को, तो हम लोग एक्स की जगह डाल सकते हैं एफ एक्स को? अगर हम लोग जी ऑफ एफ निकालेंगे तो वो क्या होगा, वन बाय माइनस थ्री स्क्वायर माइनस नाइन, ये होगा जी ऑफ एफ हम लोग का? ऐसी तो निकालते हैं ना जी ऑफ एफ? यस मैम। फाइव दूसरा एग्जांपल ले, बोलो। क्या? यस मैम, समझ में आ रहा है उसके लिए? यस मैम, कि दूसरा एग्जांपल क्लियर हो गया? ये लाइन पढ़ो एक बार, एक बार सब भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो और फिर ये वाला लाइन पढ़ो। Is it making sense? Yes, ma'am. Now it is clear.
हो गया, पक्का समझ में आ गया? इफ यू वांट हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, या तो इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट अ लिटिल, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से पूरा कॉन्सेप्ट को भी कर सकते हैं. बोलो. नो मैम. ठीक है जानवी, प्रियांशु, आप लोग दोनों को एकदम क्लियर है ये वाला चीज? यस मैम. ठीक है तो आज हम लोग फिर यहीं पे एंड करें. यस मैम. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.